फाइनली आ चुके हैं हम दरगाह में, जो कि हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is your host Fadil, welcome back to my new fresh vlog. I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो guys, पहले मैं मिलाता हूँ इसको उस्मान हाइकर। हाइकर हाय। तो guys, आज का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज के कंटेंट में हम जाएंगे एक प्लेस है, यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाएंगे। मतलब आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मतलब आपको आज कुछ नया दिखाएंगे। तो हमने सोचा आपके लिए कुछ नया करें, तो वहाँ पे एक मतलब दरगाह है, तो वहाँ भी वो दरगाह भी दिखाएंगे, और जो रास्ते में मतलब अच्छी अच्छी प्लेस देखने के लिए होंगी तो वो भी दिखाएंगे गाइस। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए है तो वो सब्सक्राइब करें। तो गाइस फाइनली चल रहे हैं हम अभी फिल्टर रोड से, अभी तो पहले काजीगढ़ पहुंचना आगे। तो आज का कंटेंट बड़ा ही अच्छा होने वाला है, आपको क्या ही बोलूं मैं। जो आज का कंटेंट है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज के कंटेंट में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज अच्छी जगह ले जाएगा भाई आपको। तो आज जाएंगे हम कोंड वैली, तो वहां पे दिखाएंगे अच्छे अच्छे प्लेस वहां के। तो बस भाई की हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से प्लेस दिखाऊं, और आज धूप भी अच्छी निकली है, लेकिन धूप जो निकली है गाइस वो अभी 12-1 बजे से निकली है। सुबह से तो ऐसी धुंध थी, लेकिन अभी थोड़ी सी अच्छी सी धूप निकली है। उम्मीद करता हूं कि वहां भी उस साइड भी धूप हो, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वहां की ज़ियारत दिखाएंगे आपको। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। मैं तो गाइस फाइनली आ चुके हैं, हम पहुंच गए हम काजीगुंड। तो जहां हमको जाना है कोंड वैली, बहुत ही अच्छी प्लेस है वो भी। वहां पे एक जगह है उसको बोलते हैं वासरनाक, वहां पे भी ले जाएंगे आपको। तो गाइस क्या पता आपको कभी यहाँ से आना पड़े, तो ये जो सीधे रोड जाते हैं अनंतनाग से होके श्रीनगर के लिए जाता है, और जिस रोड पे हमको जाना है हमको लेफ्ट लेना है यहाँ पे, तो ये कुलगाम से सीधे शुपियां से सीधे मुगल रोड। आप क्या पता आप कभी आ जाओ गाइस, क्या ही बोलूं, मतलब मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन क्या ही करूं, रास्ता बहुत ही लंबा है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है। हमारे वेरीनाग से बहुत लंबा है, कम से कम 30-40-50 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब फासला वहां से, यहाँ से भी 50, मतलब हो गया 100 किलोमीटर। तो थोड़े से लेट भी निकले थे हम घर से, नमाज पढ़ के आया पहले, मैंने सोचा नमाज पढ़ के ही जाएंगे, खाना वाना खा के आराम से जाएंगे। थोड़ी अगर फिर थोड़ा टाइम भी लगेगा तो कोई बात नहीं, खाना खा के ही जाएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज्यादा है। पहले अगर इंसान कुछ खाएगा आज तो फिर बैठना है 20-25 दिन अंदर, अगर ऐसी ठंड में निकलेगा बाहर तो बस फिर तो पता ही है, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चल रहे हैं कोंड रास्ते पे, कोंड रोड पे। रोड तो यहाँ का वैसे ठीक ठाक है, अच्छा रोड है, मतलब नया नया मैगडम गिरा है इसके ऊपर। गाइस ये देख सकते हो आप आगे का व्यू, वाकई माशाल्लाह जन्नत लग रहा है। चाचा हट जाओ, चाचा गया था बेचारा। तो आप व्यू देख सकते हो गाइस, क्या ही व्यू है देखने के लिए, ज्यादा हाइट है, आप देख सकते हो खुद भी। यहाँ पे बंदा अगर ट्रैकिंग पे आएगा ना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इंशाल्लाह आएंगे ट्रैकिंग पे यहाँ पे भी। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर कुछ लोग देखते भी नहीं, बोलते बस रोड पे उठाता है, बच्चे रोड पे खेल रहे हैं बर्फ के साथ। गाइस आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा बर्फ है, कितनी मतलब कितना छोटा रास्ता भी है बर्फ रोड पे, कितनी आप प्लेस भी देख सकते हो, मतलब ऊपर मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया ये भी, हमारे जैसा हमारी तरह। तो आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ मतलब कितने क्लोज में है, प्लेस बहुत ही कैंट प्लेस है, आपको ले जाएंगे ज़ियारत पे। फाइनली आ चुके हैं हम उस गांव में जहाँ पे ये दरगाह वाकया है। फाइनली आ चुके हैं हम दरगाह में, जो कि हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो जाएंगे अंदर, आप देख सकते हो
इस जगह पे आके ना सुकून मिलता है अंदर से दिल को बहुत ही ज्यादा। आप देख सकते हो हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अला की दरगाह, ये उनकी जियारत है। तो बर्फ ही इस साइड बहुत ही ज्यादा है, तो जाएंगे उस साइड से आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो आप, ये थी हजरत नूर शाह वली रहमतुल्लाह अला की जियारत। तो अंदर मैं बात कर सकता था लेकिन मेरे दिल ने ही गवाही नहीं दी कि मैं अंदर बात करूं। इसकी अभी न्यू कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये इसके अपोजिट है जामिया मस्जिद यहाँ की। तो इस जो अभी गाइस इसकी नई नई कंस्ट्रक्शन चल रही है आपको दिखाऊंगा मैं चारों साइड। लोगों का बहुत मानना है कि मतलब लोगों की फरियादें यहाँ पे पूरी होती है, जहाँ भी जो भी आता है लोग जो मांगते हैं क्या ही बगदाद से, तो उनका पूरा को क्या ही बोलूं मैं, सब लोगों को ही पता है। तो ये जो आप देखते हो कि लोगों ने खुद बांध दिए, ये तो आप यहाँ का मार्केट भी देख सकते हो। उस टाइम पे तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम अभी ज़ियारत से, तो अभी जाएंगे थोड़ा सा आगे, आपको आगे का व्यू दिखाएंगे वासरनाथ का। ये तो बोल रहे लेट हो गए लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ इनको, मैंने बोला दिखाना है भाई तो दिखाना है बस। आपसे मैंने प्रॉमिस किया पहले भी बोला वीडियो में कि वासरनाथ जाएंगे तो जाना है, तो जाना है बस। मतलब जो भाई ने सोचा वो करना है भाई, मतलब जो भाई ने सोच लिया वो करना है पक्का, किसी भी कीमत पे किसी भी हाल पे वहां तो जाना है, आपको दिखाना है वहां का व्यू। तो अंदर भाई आपके भाई ने बात नहीं की क्योंकि क्या ही बोलूं, दिल ने गवाही नहीं दी अंदर से कि मैं अंदर बात करूं, इसीलिए बात नहीं की मैंने अंदर। तो ये पीछे आदिल भी बैठा है, सभी लोग बैठे मजे से, लेकिन मैंने क्या ही बोलूं आपसे बात करके ना सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब से घर से निकले हैं तब से मतलब मैं बात ही कर रहा हूँ, फिर वीडियो इतना मतलब क्या ही बोलूं इतना कट करना पड़ता है ना, इतनी मेहनत ज्यादा लगती है क्या ही बोलूं। बस आपका भाई जब व्लॉग बनाने निकलता है फिर सोचता हूँ बस छोटा सा छोटा व्लॉग बनाऊं आपके लिए 10-12 मिनट का, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है व्लॉग फिर लोग भी नहीं देखते हैं। तो बंदे को पूछ रहा हमने बर्फ उठी है ऊपर की नहीं उठी है, तो आगे चल के ही पता चलेगा हमको कि बर्फ उठी होगी कि नहीं उठी होगी। तो गाइस फाइनली चल रहे हैं हम अभी वासरनाथ की तरफ, आप ऊपर पहाड़ भी देख सकते हो कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, कितनी अच्छी खूबसूरती है ऊपर। तो अपने जो अपने वेरीनाथ के लोग होंगे उन्होंने भी नहीं देखा होगा ये, तो उनको भी दिखाना चाहता हूँ मैं, जो भी अपने लोकल बंदे हैं तो उनको खाली गार्डन ही दिखाता हूँ, बोर हो जाते होंगे गार्डन देख के जितने भी बंदे अपने वीडियो देखते हैं, तो उनको नहीं पता है। तो आज मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ नया करूं, क्योंकि अपने साइड से अपने गांव से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है भाई को, सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो जो भी हो भाई को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है, बोलते कोई नहीं आज बोलते सब लोग बोलते भाई को कि भाई वीडियो चून वीडियो ने खुद ही यार क्या है दिल के वीडियो था हो ये बस भाई बोलता नहीं अभी चढ़ेगा कोई बात नहीं आज नहीं तो दो दिन के बाद, मैं सोचता हूँ आपको रोज रोज क्या दिखाऊं वेरीनाथ गार्डन, तो कुछ का कुछ ना कुछ नया करूं आपके लिए। आप आगे व्यू भी देख सकते हो क्या पहाड़ दिख रहे हैं क्या खूबसूरती, बंदे को देखो इसको उछल चुका है, मतलब गर्मी इसके अंदर ना अभी गर्मी हो रही है इसीलिए बर्फ पे सोया है अभी। तो पहुंचने वाले अभी हम वासरनाथ, थोड़ा सा रह चुका है रास्ता, तो वहां का व्यू भी बहुत ही अच्छा आप देख सकते हो। जैसे एक बार एक व्लॉग हमने बनाया अपने साइड में जब बर्फ पे हमने ट्रैकिंग की थी, सेम वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इस साइड के पहाड़ थोड़े से लंबे हैं तो इन पे थोड़े थोड़े से ये पेड़ भी लगे हैं, लेकिन उस साइड जहां पे हम ट्रैकिंग पे गए थे उस साइड तो इतने पेड़ नहीं थे। यहाँ पे एक चश्मा भी निकलता है छोटा सा, 6 महीने पानी रहता है और 6 महीने पानी नहीं रहता है। जो यहाँ के लोग हैं जब मैं मौसी के घर आता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि उसका जो 6 महीने का पानी जो होता है वो 6 महीने किसी और साइड उस पहाड़ के उस साइड से निकलता है और 6 महीने इस साइड निकलता है। तो जिस दिन यहाँ पे हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अल्लाह की मतलब उनका बड़ा दिन होता है, जिस दिन उनका बड़ा दिन मनाया जाता है, तो उस दिन उस स्टेज में पानी निकलता है, मतलब वो भर जाता है उस दिन पानी से पूरा, मतलब उसको बोलते हैं कश्मीर में भूख गसल, मतलब किसी चीज में जब पानी हद से ज्यादा निकले तो उसी को बोलते हैं भूख यून कश्मीरी में, तो लोग बोलते हैं तचीवन टाइम तो भूख, तो क्या ही बोलूं मैं। तो दिखाएंगे आपको, आप आगे का पहाड़ भी देख सकते हो गाइस, वाह रियली जन्नत लग रहा है इस तरफ।
तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम, जो मैंने आपको बोला था वासरनाथ दिखाएंगे आपको, और जितना हमसे हो सकेगा उतना ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पे भी बर्फ ही बहुत ही ज्यादा है क्योंकि हिली आ रहा है गाइस। और आपको भाई ने बोला है कि मुझे ट्रैकिंग के वीडियो बनाने, ट्रैकिंग पे जाना है, मोटो व्लॉगिंग के साथ ट्रैकिंग पे भी जाना है, अच्छे अच्छे व्यू आपको दिखाने हैं। तो यही है वो चश्मा गाइस जो आपको मैंने बोला था वासरनाथ, जिसमें 6 महीने पानी रहता है, 6 महीने नहीं रहता है। तो गाइस जो आपको ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के नीचे से पानी निकलता है। तो मैंने सुना है कि इसको, इसके अंदर जो भी आज तक गया तो वो ऊपर नहीं आया वापस, क्योंकि इसमें कोई उतरता नहीं है। उन्होंने मतलब यहाँ पे, मतलब मैंने सुना है कि जिन्नातों का कुछ वो है। तो जब मैंने भी सुना है दूसरों से, लेकिन उतना मुझे नहीं पता है। आप यहाँ का व्यू भी देख सकते हो, अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। मतलब आपको अगर ऊपर, इससे ऊपर गया हूँ मैं, इस साइड यहाँ से मैं ऊपर गया हूँ एक बार, तो बहुत ही अच्छी प्लेस है इस साइड भी गाइस, बहुत ही वाकई लाजवाब प्लेस है। तो गाइस ये पीछे वासरनाथ था, उतना भाई को नहीं पता था कितनी प्लेस है। मतलब यहाँ पे उतना कुछ देखने के लिए भी नहीं है, जो था वो दिखाया आपको, जियारत थी यहाँ पे, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर बहुत, मतलब ऊपर बर्फ बहुत ही ज्यादा हो गई। आपने खुद ही देखा यहाँ पे कितनी ज्यादा बर्फ है, तो ऊपर नहीं जा सकते गाइस, तो चलेंगे वापस। मतलब मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम घर, बहुत ज्यादा ठंड लगी थी। चलो गाइस आज के लिए जो था वो था, अपनी तरफ से तो हमने कोशिश की थी पूरी कि हम जाएंगे वहां पे, आपको अच्छा सा व्यू दिखाएंगे। चलो जियारत भी बहुत ही मस्त चीज़ है, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। तो गाइज इंशाल्लाह नया जो कंटेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा लाएंगे हम आपके लिए। तो इस कंटेंट में, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए भाई के लिए दुआ करना, और भाई की दुआ हमेशा ऑलवेज आपके साथ है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, जो कि कंटेंट बहुत ही बढ़िया लाएगा भाई। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।